बागपत में तेंदुए और शावक को देखने से लोगों में हड़कंप मच गया। मंदिर में श्रद्धालुओं को देख दीवार फांद कर भाग गया शावक और तेंदुआ, और शावक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बमनौली गांव के जंगल में दिखा तेंदुआ, तेंदुआ दिखने से दहशत में है ग्रामीण, वन विभाग को दी सूचना। तो तेंदुआ दिखने से लोगों में हड़कंप मच गया। मंदिर के पास ये तेंदुआ दिखा जो दीवार फांद कर लोगों को देखने के बाद भाग गया। मंदिर में श्रद्धालुओं ने तेंदुए को देखा, जिसके बाद लोगों में हड़कंप मच गया और उसके बाद उन श्रद्धालुओं को देखकर दीवार फांद कर भाग गया तेंदुए का शावक। हल्द्वानी के चोरगलिया में ताश के पत्तों की तरह बहिकार, शेर नाला में उफान में आने के चलते बहिकार, कार चालक ने कूद कर बचाई अपनी जान। पहाड़ों में तेज बारिश से शेर नाला उफान में है और जान जोखिम में डालकर नाला पार कर रहे हैं लोग। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जल का फैलाव है, नाले में उफान आने की वजह से कार बहती चली गई, जान जोखिम में डालकर लोग रास्ता पार कर रहे हैं, जिसका खामियाजा अब लोगों को भुगतना पड़ रहा है। कार बहती हुई जा रही है, बड़ी मुश्किल से कार सवार लोगों को बचाया गया। बिजनौर में मूसलाधार बारिश से गंगा का बढ़ा जलस्तर, नदियों में आए तूफान से कई गांवों से टूटा संपर्क। पानी के उफान को रोकने के लिए प्रशासन ने लगाई है जेसीबी मशीनें। कई गांवों में बाढ़ का खतरा बढ़ा, थाना बढ़ापुर के नकटा नदी का मामला। उधम सिंह नगर में तेज बारिश के बाद कल्याणी नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसको लेकर कल्याणी नदी किनारे रह रहे लोगों की चिंता बढ़ती जा रही है। कल्याणी नदी के किनारे करीब 700 मकान बने हुए हैं। दो साल पहले भी जब रुद्रपुर में बाढ़ आई थी, तब कल्याणी नदी के उफान ने भारी तबाही मचाई थी, लेकिन अब एक बार फिर से नदी किनारे रहने वाले लोगों को किसी अनहोनी का डर सता रहा है। वहीं डीएम ने बढ़ते जलस्तर पर कहा, हमारी पूरी नजर है, हम तैयारी कर रहे हैं। तो कल्याण नदी के जलस्तर बढ़ने से लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। दो साल पहले भी ऐसी आपदा आई थी, जिसके बाद तबाही मची हुई थी। बुलंदशहर में रामघाट के गंगा घाट का निरीक्षण करने पहुंचे एसडीएम और डीबीआई सीईओ को वापस लौटना पड़ा है। दरअसल तेज बारिश के चलते रास्ते में जलभराव था, जिसके चलते सरकारी गाड़ी पानी में फंस गई थी। अधिकारियों को लौटने का और के अलावा और कोई उपाय नहीं दिखा। वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, 6 जुलाई का वीडियो बताया जा रहा है। कांवड़ यात्रा को लेकर निरीक्षण के लिए निकले थे एसडीएम और डीबीआई सीओ, तो बिना निरीक्षण किए अधिकारियों को वापस लौटना पड़ा, क्योंकि जलभराव की समस्या इतनी ज्यादा थी कि आगे गाड़ी नहीं जा सकती थी, जिसकी वजह से उन्हें यूटर्न लेकर के वापस जाना पड़ा। मुरादाबाद से खबर है, जहां बारिश के बाद भरभरा कर गिरी दीवार, दीवार गिरने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। निर्माण कार्य के चलते इमाम बाड़े की दीवार गिरी और दीवार गिरने से बड़ा हादसा होने से टला है। थाना नागफनी इलाके के नई सड़क चौराहे का ये मामला है और इमाम बाड़े की ये दीवार, ये देखिए किसने भरभरा कर नीचे गिरी है, जिसके बाद एक बड़ा हादसा होने से टला है। बारिश के बाद ये दीवार ढह गई, दीवार गिरने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बारिश के बाद भरभरा कर ये दीवार गिरी थी। मुरादाबाद की ये तस्वीरें हैं, जहां पर इमामबाड़े की ये दीवार भरभरा कर नीचे गिर जाती है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।